रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर है। राष्ट्रपति पर कांग्रेस नेता के द्वारा दी गई टिप्पणी पर बसपा अध्यक्ष मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। मायावती ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी का निर्वाचन बहुत लोगों को पसंद नहीं आया है। अधीर रंजन चौधरी की आपत्तिजनक टिप्पणी, मायावती ने कहा दुखद है। अधीर रंजन चौधरी का बयान शर्मनाक अति निंदनीय है, मायावती ने ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा कि उनके बयान के विरोध में संसद की कार्रवाई बाधित हुई है। कांग्रेस जातिवादी मानसिकता का परित्याग करे। वहीं आपको बता दें कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर आदिवासी समाज की पहली महिला के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी का शानदार निर्वाचन बहुत लोगों को पसंद नहीं है। इसी क्रम में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना अति दुखद, शर्मनाक व अति निंदनीय है। आगे लिखते हुए मायावती ने कहा कि अर्थात इनके द्वारा माननीय राष्ट्रपति जी को टीवी पर राष्ट्रपत्नी कहने का विरोध करते हुए संसद की कार्रवाई भी आज बाधित हुई है। उचित होगा कि कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए देश से माफी मांगे तथा अपनी जातिवादी मानसिकता का परित्याग करे।